हेलो गाइस, तू मेरी शक्ल क्यों देखता है? मेरी शक्ल क्यों देख रहा तू? यार ऐसा लगता है हम कन्वर्सेशन नहीं, मेरे को नहीं देखना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रिएक्ट ब्रोज। मेरा नाम है निखिल और ये है मेरे दोस्त अभिनव। हेलो गाइस, तो गाइस आज हम रिएक्ट करने वाले हैं एक नए पंजाबी हिप हॉप के सिंगर हैं, उनका नाम है शुभ। तो मेरे को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है कि शुभ जो है ये जो लड़का नहीं आता था एक जो इंटरव्यू लेता है पंजाबी पंजाबी कॉलेज में जाके, कौन नाम था उसका, कंटीनी मंडीर। हाँ मंडीर, मंडीर है ना, तो मैंने सुना है उसका भाई है शायद। कंफर्म नहीं है यार, अगर ये सच है तो कमेंट में बता दो, अगर नहीं है तब भी कमेंट में बता दो। कंफर्म नहीं है पर है सुना है कि उसका भाई है। और बाकी आजकल पंजाबी हिप हॉप के अंदर काफी सारे सिंगर आ रहे हैं। नहीं, जिस तरह एडवांस आजकल पंजाबी हिप हॉप हुआ है ना, हाँ, तो काफी नए सिंगर निकल के आ रहे हैं हिप हॉप के अंदर। हाँ, हिप हॉप के अंदर पंजाबी हिप हॉप को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, और उनमें से अगर कोई शुरुआत तो जो की थी वो तो सिद्धू मूसेवाले ने की थी, बट अब जो नए सिंगर भी निकल के आ रहे हैं उनमें भी काफी टैलेंट भरा हुआ है। उनमें से एक है शुभ, उनमें से एक नया शुभ है और इनके गाने भाई काफी ट्रेंडिंग में जाते हैं और काफी लोग सुनते हैं, काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं। तो अभी जैसे एक और है, वो एक तो शुभ है और एक वो एपी डिलन है ना। वैसे मतलब की काफी सारे नए सिंगर आ रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं और शुभ उनमें से एक है। तो हमने सोचा कि शुभ का नया गाना ये आया था कि महीना पहले, तो हम इस पर रिएक्ट करेंगे। मैंने वीडियो वगैरह इस गाने की बिल्कुल नहीं देखी और ना ही मैंने ये गाना पूरी तरीके से सुना है, तो ये मेरे लिए एकदम फर्स्ट एक्सपीरियंस ही है। तो चलिए रिएक्शन शुरू करते हैं। क्या बोलने वाला वो जो कंटीन्यू मुंडीर है, हाँ, वो पगड़ी वगैरह नहीं पहनता है आई गेस? नहीं, जरूरी नहीं है, पंजाब में सब पगड़ी नहीं पहनते, कोई कोई होते हैं जाट। अच्छा, कोई जाट होते हैं तो वो नहीं बांधते पगड़ी। श्योर नहीं है, पक्का पता करके बताना है कि वो कंटीन्यू मुंडीर का भाई है, भाई है भी है कि नहीं है, उसने पगड़ी पहनी और कंटीन्यू मुंडीर पगड़ी नहीं पहनता है। गलत इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, हम गलत भी दे सकते हैं इन्फॉर्मेशन, हमें पता नहीं है कि क्या है। तो पर काफी अच्छा सिंगर है, देखते हैं इसके बाकी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। यार हमारा एक दोस्त नहीं है, कौन, अमनीत। हाँ, जो कनाडा गया हुआ है, लगता नहीं पूरा उसकी तरह छोटा। मेरे को लग रहा पूरा अमनीत है ये। हमारा एक दोस्त है वो अमनीत, वो उसकी तरह लग रहा है पूरा का पूरा, बाकी वो डिफरेंस लग ही नहीं रहा। मैं वो तब से देख रहा हूँ यार, पूरा वही लग रहा है। पगड़ी में ज्यादातर सारे सरदार एक जैसे लगते हैं। नहीं यार, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, को ज्यादा नहीं, 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 ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई एक जैसे लगता है, कोई चाइनीज थोड़ी है जो एक जैसे लगेंगे। लेकिन ये है कि ये जो है ये हमारा दोस्त अमनीत है, पूरा अमनीत लग रहा है शुभ। वैसे वो एक और बात है कि जो अमनीत उसको बोलता है गाना कब निकाल लेगा भाई, तू कनाडा चल गया, गाना निकालना रह गया तेरा, बोलता भाई निकालूंगा। उसके मैंने सुने गाने भाई बड़े गंदे इतना सुरीला गाता है, इतना सुरीला कि मतलब कि तानसेन भी शर्मा जाए। चलो, तानसेन गाना गाता है ना, गाना ही गाता है। मेरी इंफॉर्मेशन ये भी गलत हो सकती है, एक राग उसी का है। चलो फिर वीडियो कंटिन्यू करते हैं। रख
ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਕੰਮ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਪੀਸ ਬਿਨਾ ਗੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਟੱਪਦਾ ਏ ਲੀਗ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਏ ਠੀਕ ਵੇਲੋ ਬੋਲੀਆਂ ਖਰਾਕਾਂ ਢੇਲੀ ਲਾਉਂਦੇ ਡੰਡ ਨੀ ਕੁਲੰਕ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੇ ਆ ਸੰਦ ਨੀ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਚੋਬਰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਚੰਦ ਨੀ ਵੈਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਡੈਡੇ ਹੈਂਡ ਨੀ ਉਹ ਚਾਚੇ ਚਨਾਮ ਜਿਵੇਂ ਐਂਟ ਰੈਂਡ ਨੀ ਬੈਰੀ ਰੱਖੇ ਕਰਕੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਬੈਂਡ ਨੀ यार पूरा अमनीत लग रहा है यार पूरा अमनीत लग रहा है मेरे को अमनीत की शक्ल याद आ रही है बार मेरे को एक चीज पूछनी है गायक आपसे कि ये जो पंजाबी है मेरे को लगता है पंजाबी में भी बड़ा डिफरेंस है लैंग्वेज में पहले जो पंजाबी फोक सॉन्ग गाए जाते थे ना उनमें लैंग्वेज अलग होती है आज नहीं ये जो तरह ये हिप हॉप में बोलते वर्ड ऐसे हैं जैसे पट्टू लॉन द बैंटनी ठीक है पट्टू लॉन द बैंटनी है ना बैंट का क्या मतलब हुआ वही तो कुछ ऐसे ऐसे वर्ड नहीं कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जो इन गानों में हैं वो लगता है कि यार ये पट्टू लोंदा वगैरह पंजाबी है पट्टू लोंदा वगैरह तो पता है भाई हमको मैं कि हाँ मेरे को मतलब कि 95% समझ आ जाती है तेरे को थोड़ी बहुत आती है मेरे को 95% समझ आ जाती है पंजाबी में बंदा क्या बोल रहा है समझ आ जाती है मेरे को लेकिन बैंट का क्या मतलब पट्टू लोंदा बैंट नहीं पता नहीं बैंट ऐसे मतलब टर्न मैं वही सोच रहा हूं टर्न मतलब बैंड हुआ बैंट है ना बैंट का मतलब बैंट का पता नहीं कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो पंजाबी में मेरे को लगता है जगह जगह ही साथ अमृतसरी अलग भाषा है नहीं यार ऐसा कुछ नहीं पठानकोट वाले अलग बोलते हैं कुछ नहीं मैं क्या हूँ यार कुछ अलग है नहीं है नहीं है भाई हाँ गांव वाली साइड कुछ हो सकता है ना बाकी पंजाब को छोटा बड़ी बड़ा बड़ा क्या पता किसी एक कॉर्नर में किसी जैसे हिमाचल वगैरह वाली साइड किसी और तरह की थोड़ी होती है ना जैसे हमारे में होती है हिमाचल वाली साइड किसी और तरह की बोलते हैं जम्मू वाली साइड किसी और तरह की बोलते हैं हाँ हाँ है ना वो तो फिर अलग स्टेट होगी ना पर हाँ वही देख रहा हूँ पंजाबी में भी काफी वेरिएशन है चलो देखते हैं भाई ये बैंड ही बोल रहा है बैंड ही बोल रहा हूँ तो पट्टू लौंदे बैंड नहीं पैंट नहीं वो भी बैंड ही है होगा उसका भी मतलब पट्टू लौंदे बैंड नहीं पता नहीं क्या मतलब बल्कि मेरे जो बंदे हैं मेरे जो अपने खास बंदे हैं वो किसी के सामने झुकते नहीं है ये कहने का मतलब है किसी के सामने बैंड नहीं होते वो हाँ ये मतलब है भाई और क्या पट्टू लौंदे बैंड पट्टू मतलब क्या तू मेरा दोस्त हो गया ये होगा क्या और क्या लगी हो ना बाकी यार वीडियो में मैक्सिमम हमने वीडियो के बीच में बोल दिया है कि क्या हो रहा है क्या शुभ जो है ना ये बड़े अच्छे से गाने निकाल रहा है यार एक मैंने इनका पहले सुन लिया गाना नो लव करके वो मैंने सुन लिया हुआ है तो उस पर रिएक्शन करने का कोई फायदा नहीं है जिसपे जिसको सुन लिया उस पर रिएक्शन करने का कोई फायदा नहीं है लेकिन ये गाना यार मतलब ये अलग ही लेवल का बजता है उसने सही काफी नया और ऐसे इनोवेटिव ऐसे लगता है इसमें लिरिक्स इसके जो हैं काफी नए लिरिक्स हैं और अच्छा गाना है बाकी ये भी भाई इंडिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है ये भी कनाडा में जाके कनाडा में ही है ना ये कनाडा में जाके ये गाने वगैरह निकाल रहे हैं बाकी मेरा दोस्त कनाडा में गया उसको मैं बोलता हूँ कि गाने निकाल बाकी देखते हैं वो क्या करता है लिखता तो वो भी था वैसे लिखने का शौक तो उसको भी था अमनीत नाम है उसका लिखने का शौक उसको भी था लगता है पंजाबी गाने पंजाबियों के डीएनए में एक तो कनाडा जाना गाने निकालना और कनाडा जाके तो गाना पक्का निकलेगा इधर निकले ना निकले तो बस गाइस ये था आज का रिएक्शन आई होप वीडियो पसंद आई तो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो चैनल को और इसे सपोर्ट करते रहो थैंक यू गाइस